क्या निकाल के। तो मैं जमाव की बात कर रहा था कि दक्षिण भारत के अंदर 65% यहाँ 35% क्यों है। उसका एक कारण क्या है, यहाँ पलेवा करने के बाद बुआई है। दक्षिण भारत में सूखे में बुआई करके मिट्टी से डर के पानी दे, जब भी आप ऐसे करते हैं पलेवा करके बुआई करते हैं तो जो खेत के अंदर नमी है वो पूरे खेत के अंदर एक समान ये पता चली थी कि नमी के ऊपर बुआई करनी है। उसके बाद नमी को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए वाटर लगाते हैं। तो ये 100 साल पहले की है जो सिंचाई के साधन। आजकल तो एक बटन दबाओ पानी चलता है, तो इसमें बदलाव की आवश्यकता है। सूखे में बुआई करिए, हल्की मिट्टी डालिए, 1.5-2 इंच उसके ऊपर मिट्टी आनी चाहिए और उसके बाद हल्की सिंचाई। सिंचाई इतनी ही करनी चाहिए कि जब लाइन जो खोली है, जो फूट निकाला, फूडी बना रहे और उस फूट के अंदर ही उन्हीं के अंदर पानी आए, इतना पानी देना चाहिए। एक आदमी को खड़ा होना पड़ेगा, मैं मानता हूँ सिंचाई करने के लिए उतना ही काफ़ी है। और सर्दी का मौसम था, अभी मैं आया हूँ तो भी ट्यूबवेल उनके चल रहे थे गलने की वजह से। मैंने कहा ये क्यों चला रखे हैं, डॉक्टर साहब सूख जाएगा, पीला पीला हो रहा है। मैंने कहा ये पीला इसीलिए हो रहा है, जो खाद डालना था वो तो सब पानी के साथ नीचे चला गया, बची नहीं नाइट्रोजन, बची नहीं गन्ने के लिए जो यूरिया डाला है वो पानी के साथ नीचे चला गया, तो गन्ने तो पीला होगा ही, इसे तो सूखे ही गए। तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, जितना पानी है उतना ही देना चाहिए। 5 टन पैदावार भी बढ़ गई, तो पानी भी कम हुआ उससे और पैदावार भी बढ़ गई। तो पैदावार क्यों बढ़ी, इसका मतलब ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। जो बात मैंने शुरू में कहा था, पंजाब का एग्जाम्पल दिया कि ज़्यादा सिंचाई, इतना पानी कभी भी करने को नहीं चाहिए जिससे वो पानी खड़ा रहे। कितना पानी होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर सब सूख जाए, इतना पानी नहीं तो हमेशा अच्छा रहेगा, कई जमाने की जरूरत नहीं है। बिजली कीड़ा है जिसके लिए दवाई पहले डालनी चाहिए, कौन सा है, टॉप बोरर। तो बोरर एक टॉप बोरर है जिसके लिए दवा एडवांस में डालना चाहिए, आने से पहले डालना चाहिए, क्योंकि वो एक बार लग गया तो वो टोटल लॉस है, पूरा का पूरा जिस भी कल्ले में लगेगा तो वही उसकी ग्रोथ रुक जाती है। जो 2-3 बोरियाँ लगने से पहले बना है वही बढ़ेगा, उससे बाद में नहीं बढ़ेगा, वही रुक जाता है। तो एक टॉप बोरर के अलावा और ऐसा कोई भी कीड़ा या बीमारी नहीं है जिसके एडवांस में काम। हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट से बहुत ही आसान सा वो बनाया, यंत्र बनाया, उसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं है और पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। हमने इस टाइप से बनाया है, उसकी 2 छड़े सी है, उसको गन्ने के पास अंदर गाड़ दीजिए, एक बटन दबाइए, उसमें अलग अलग रंग की लाइट जलती है। मान लीजिए उसमें लाल रंग की लाइट जलती, इसका मतलब ये है खेत सूखा हुआ है, तुरंत एकदम से पानी दे दीजिए। उसके बाद उसका एक ऑरेंज है जो संतरे रंग का लाइट जलती है, इसका मतलब पानी दे दीजिए। मतलब लाल में तो यह ऑलरेडी लेट हो चुका है, तुरंत दे देना चाहिए। यदि वो संतरे रंग की लाइट जलती है इसका मतलब ये है पानी दे दीजिए। उसके बाद जो है ब्लू नीले रंग की लाइट, उसका जब वो नीले रंग में रहता है तो फिर ये है कभी पानी देने की जरूरत नहीं है, आप इसको कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल से 300 ग्राम या 400 ग्राम उसका वजन है कुल मिला के, कहीं भी ले जाइए। टेंशियोमीटर जो आप बात कर रहे हैं वो खेत में फिक्स करना पड़ता है, ये तो आपको एक यूनिट चाहिए, एक यूनिट कितने भी खेतों में, पूरे गांव में उस एक यूनिट से काम कर सकता है। और हमने उसका जब अध्ययन किया था बिल्कुल छोड़नी चाहिए, यदि कोई विशेष परिस्थिति हो, मान लीजिए आपके खेत के अंदर जो मिनी बग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, या
एक और इंसेक्ट आता है स्केल इंसेक्ट, जो कि जल भराव की स्थिति में आता है वेस्टर्न यूपी में, तो चांसेस उसके नहीं है, वो तो पत्ती जला देनी चाहिए, अदरवाइज जो है पत्तियां नहीं जलानी चाहिए, चाहे वो किसी भी फसल की हो, उसको जमीन में मिलाएंगे तो आपका जो भूमि का स्वास्थ्य है उसको सुधार करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन को सुधार करेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं जो कि इन्हीं पत्तियों से आता है, यदि वो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तभी आप जो ये केमिकल रासायनिक खाद डालते हैं तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। IIL हर कदम हम कदम।